दोस्तों ये 20 टन की प्रेस है और इसकी जो चाल है वो उल्टी हो गई थी। उल्टी का मतलब कि जो इसकी संतरी है बैक साइड चली जाती है, कई बार हम सेटिंग करते हैं तो जहाँ कई बार नहीं ध्यान देते, तो इस प्रेस की जो चाल है वो उल्टी हो चुकी थी, मतलब कि पुट्ठी हो चुकी थी, जैसे भी आप समझें। तो जब हम इसको चला रहे थे तो चलाने के बाद एक तो देखिए इस तरह से भी प्रॉब्लम आती है, ये टक टक करेगी और जो इसकी केम है वो सारी झटका लेगी चलते समय। प्रेस का आधा चांद बैक साइड चला जाता है, जिसको हम चाल बोलते हैं, जिसको हम सेटिंग करते हैं चाल को, इसको बढ़ाने घटाने के लिए कितने इंच की चाल हमें चाहिए, 2 इंची की, 1.5 इंची की या ढाई के हिसाब से, जैसे भी हमने करनी होती है। तो अगर ये टॉप से ज़्यादा पीछे चली जाएगी तो उसको चाल को उल्टा किया जाता है, और जो आगे रहेगी तो उसको सीधा कहते हैं। यही ध्यान रखना है, ये वाला चांद यहाँ अभी हम करेंगे ना तो बिल्कुल सही हो जाएगा। और जब आप संतरी की तरफ देखेंगे तो संतरी देखिए टेढ़ी लग रही है, ऐसे लग रहा है कि जैसे पीछे को झुक गई है, प्रेस के बैक साइड की तरफ झुक गई है। तो ये आपको पता लग जाएगा कि ये चाल है हमारी उल्टी हो चुकी है। और ऊपर से भी आपको दिखाई दे रहा है कि जो संतरी प्रेस से थोड़ी बाहर निकली रहती है तो वो भी थोड़ी अंदर है, जिसको हम करेक्टिंग रॉड भी बोल देते हैं और संतरी भी बोल देते हैं। अभी हम इसकी जो चाल है उसको खोलने जा रहे हैं, तो इस साइड जब जहाँ से हम खोल रहे हैं इस साइड जो चूड़ी है वो उल्टी चूड़ी होती है, मतलब इसके उल्टी चूड़ी डाली जाती है और दूसरी साइड सीधी चूड़ी होती है। तो अभी हम इसकी जो साइड का रिंग है इसको ऊपर से, ये ऊपर का बोल्ट ढीले कर दिए, यहाँ से हमने जोड़ लगा रखा है और अभी हम इसको ढीला कर रहे हैं, और ढीला करके पूरा साइड में करेंगे। तो साइड पे इतना करना है कि हमारे जो दांते हैं तो अलग हो जाएं, अभी थोड़ा कमी है तो पूरे दांते अलग नहीं हो पाए। चाल को सेट करते समय आपकी चाबी स्टॉपर पे खड़ी होनी चाहिए, ना कि आगे पीछे, और उसके बाद केम को ऊपर उठाना शुरू कर दें। हाँ और उठा दें, हाँ और उठा दें, और हाँ और थोड़ा बस। जितनी आपने चाल सेट करनी हो आपने इसको ऊपर उतना ही उठाते जाना है केम को, तो आपकी जो चाल है उतनी ही हो जाएगी। जितना आप इसको ऊपर लेके जाएंगे उतनी आपकी चाल है जो बड़ी हो जाएगी, मतलब जितनी भी आपने लंबाई ज़्यादा लेनी है ढाई के हिसाब से। और उसके बाद ये दांते हैं तो दूसरे दांतों के अंदर आप अच्छी तरह से बिठा दें, ये लूज नहीं होने चाहिए, अगर ये लूज होंगे तो फिर आपकी जो चाल है वो प्रॉपर सही काम नहीं करेगी, और जो अगर दांते एक बार ख़राब हो गए तो दोबारा से नहीं बन पाएंगे, पूरी केम को फिर दोबारा से रिपेयर करना पड़ेगा, तब जाके ये पूरा प्रॉपर काम करेगी। अभी ये चांद देखिए बिल्कुल ऊपर आ चुका है, अभी हम थोड़ा और भी ऊपर कर सकते हैं अगर हमें चाल और बड़ी करनी हो तो। इसको जितना आप ऊपर लेके जाएंगे तो इसको आपने ध्यान रखना है, और अंदर का चांद है वो वहीं पर रहेगा, और जो बाहर का केम का चांद है वो जितना ही ऊपर जाएगा संतरी के साथ जो लगा हुआ है, तो उसी हिसाब से आपकी जो चाल है कम ज़्यादा हो जाएगी। अगर आपने चाल कम करनी है, छोटी चाल करनी है, तो इसी चांद को आप जितना नीचे लेके आएंगे उतना ही जो चाल है आपकी वो कम हो जाएगी। और इस तरह से आप अपनी प्रेस की चाल है जो सेट कर सकते हैं। अभी आप देखें वही प्रेस है, इसकी अब टक टक की आवाज़ है जो वो भी बिल्कुल बंद हो चुकी है, पहले कितना ज़्यादा शोर कर रही थी। बस आपने ये चांद का ही ध्यान रखना है, जितना आप इसको नीचे करते जाएंगे चाल आपकी छोटी होती जाएगी, और जितना आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो चाल है जो आपकी बड़ी होती जाएगी। बस इस चांद का आप पूरा ध्यान रखें। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, मैंने आपको काफ़ी कोशिश किया आपको समझाने की, बिल्कुल देसी तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि अगर आपके लिए ऐसी वीडियो मैं लाता रहूं और आपकी जो प्रॉब्लम है आप उसको सॉल्व कर सकें। और इस तरह से आप संतरी का पूरा ध्यान रखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी जो चाल है बिल्कुल सही है, अभी संतरी बिल्कुल सही डायरेक्शन में खड़ी है। और इसके बाद अभी आप डाई नीचे लगा के प्रेस को चला सकते हैं।